Assalamualaikum, ladies and gentlemen. My name is Momin Saqib और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं for the 8th Thumb Awards happening on the 24th of September at the First Ontario Centre, जहाँ पे मैं nominate हुआ and I am super excited to be at the event and have so much fun. So I want you all to go and book your tickets right now. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. अरे यार, आप लोग अभी तक गए नहीं? Go and book your tickets right now. अगर हम उसकी बात मान लेते तो अब उसका वो तो खुश रहता ना. हाँ, मगर नफीसा, हमने तो उसको तकलीफ से बचाना ही चाहा था ना. मान लो कि तुम्हारे आइडियल पेरेंट्स की लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है. नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन. मेरे पेरेंट्स तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते. आज हम दोनों ना रहे और हैदर कुकी के साथ वो करे जो हम दोनों ने सफीना के साथ किया. हमीद, बात बात पे कुरेद कुरेद के तुम्हारे बारे में पूछ रहे. पूछने दे, किसी ना किसी दिन ये तजस्सुस खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे पूछना. अदनान जी. अब बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है. जी आइए. बेटा, वो तुम दोनों हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ये कुकी के मामले में? मैं कुछ समझा नहीं. कुकी को कहीं कहकशां के बारे में पता तो नहीं चल गया? कहकशां के बारे में? तुम कहकशां से अब भी मिलते हो, यही बात है? कैसी बातें कर रहे हो बाजी? मैं तो उसे भूल भाल भी गया. आपका हुक्म मानकर कुकी के साथ एडजस्ट कर लिया था मैंने. चुप. तो फिर कुकी इतनी खफा क्यों है? यानी 13 सालों में हमने तो उसका ऐसा कोई रवैया नहीं देखा. अब्बा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. और फिर आप खुद सोचें, अगर किसी बीवी को अपने शौहर के बारे में इन सब बातों का इल्म हो जाए तो क्या वो ऐसे खामोश रहेगी जैसे कुकी खामोश है? खुदा करे तुम सच कह रहे हो. पुप्पो, आप मत रोए. हिना पुप्पो की तो आदत है उलझने की. मैं क्या करूं जो मेरे हाल पे छोड़ दो. पुप्पो, आपको जो करना है आप करें. मेरे पास कोई चॉइस है? क्यों नहीं है? आप क्या करना चाहती है? मैं कुछ करना चाहती हूँ. मैं खुद अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ. हाँ तो करें, किसने रोका आपको? मगर अगर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आता क्या है? डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है. अगर आप एक बुटीक खोल लें
तो बिजनेस बहुत चलेगा। कितना फैंटास्टिक आइडिया है ना। हाँ ये आइडिया हाँ, लेकिन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, आपने अपना घर कितना अच्छा सजाया, पूरी फैमिली आपकी मिसालें देती है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस खोलेंगी तो बहुत चलने वाला है। हाँ लेकिन उसके लिए भी ऑफिस चाहिए और मैं वो अरेंज नहीं कर सकती। अगर पैसों का मसला है तो आप कोई जॉब कर लें, ऑफिस में तो आपको अब्बू और दादा जॉब नहीं करने देंगे। ऐसा करते हैं हम किसी स्कूल में ट्राई। फूफो आपने कितना पढ़ा है? कम उम्र में शादी हो गई थी तो सिर्फ 11 जमात है। फूफो आप पढ़ लेती हैं कुछ, बाहर लड़कियां अदनान बच्चे घर हर चीज से फुर्सत मिलती तो कुछ करती। अदनान अंकल आपके बच्चे आज जिस मकाम पे सिर्फ आपकी वजह से हैं और आप ये तो तुम कह रही हो ना फरियाद। मेरे घर वालों से पूछो, उन्हें तो लगता है कि मुझ में कोई हुनर ही नहीं। मुझे तो कुछ नहीं आता सिवाय घर संभालने के, और वो तो कोई मेड भी कर सकती है। नहीं फूफो आप ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है, यही सच है। अगर अदनान पैसे ना दे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मेरे 13 सालों की औकात, फिर मैं क्या गई थी? जी मजबूरन गई थी। ऐसी मजबूरी? कल आपकी बातों का बहुत असर हुआ मुझ पे। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कुकी की इन हरकतों की वजह से इस खानदान की हर लड़की के जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। ये जो मेरा अमजुल्फ है ना, सारा कसूर उसका है। उन्हें लगाए दो थप्पड़ ले जा साथ। जाहिल नहीं है वो, असली मर्द कभी अपनी औरत पे हाथ नहीं उठाते। और अदनान भाई वो तो है जोड़ का गला। फिर से ताना दे रही हो मुझे? जाहिल कह रही हो तुम मुझे? तुम्हें जितनी मर्तबा भी समझा लो, तुम्हारी मोटी अकल में बात नहीं आती। कितनी मर्तबा कहे कि मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ मत किया करो। असली मर्द नकली मर्द तुम औरत का काम ही यही है कि हर मर्द को अपना गुलाम बना। मर्द, मर्द। नहीं हमीद आप गलत समझ। चुप कर जाओ, खाना खराब कर दिया सारा। ले जाओ इसको यहां से।
बच्चों, अगर आपको यहाँ के डॉक्टर्स पे यकीन है तो मैं आपको बाहर ले जाती हूँ। हमीद तैयार नहीं है। क्यों? उनको तो खुश होना चाहिए। हर कोई अदनान भाई की तरह मोहब्बत करने वाला समझदार नहीं होता। हमीद को लगता है कि लोग उन पे उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। अगर आप कहें तो मैं अदनान से कहूं कि वो हमीद भाई से बात करें, शायद वो उनकी बात समझ जाए। आप कब तक ये सब कुछ सहती रहेंगी? अब फर्क नहीं पड़ता। आज फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में तो पड़ेगा ना। आज की आदत कल का वबाले जान बन जाएगी, फिर क्या करेंगी आप? अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम क्या करती? मैं ये रिश्ता कब का खत्म कर चुकी होती। हैदर, कुछ करें, मेरी तो बच्ची बिगड़ी जा रही है। क्या मतलब? दिन ब दिन कुकी के रंग में रंगती जा रही है, उसी तरह की बातें करने लग गई है। मेरी तो टेंशन से नींदें हराम हो गई हैं। मेरी बहन के बारे में फजूल बात नहीं करना तुम, समझी? क्यों, ये हक सिर्फ आपकी अम्मा को है क्या? अब ये अम्मा का जिक्र कहां से आ गया बीच में? जैसे तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे अब्बू को कभी बहन का ताना नहीं दिया। हाँ, तुम्हारा दिमाग जगह पर है? रहने दे, अम्मा ने सफीना फूफो के साथ जो कुछ किया है ना, सब पता है मुझे। आजकल ऐसे ही नहीं उखड़े रहते अब्बा। अब ये कहां से पता चल गया तुम्हें? अम्मा ने खुद बताया मुझे, कह रही थी बाबा जी से तावीज ला दो, अब्बा राय रास पे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरा तो वैसे ही इतना नरम दिल है ना, किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। अच्छा सुने, इधर ये लाइटें बंद कर दे, थक गई हूं मैं। अच्छा भाई, कर देता हूं। मेरा बच्चा। अम्मा प्लीज, इसका कोई नसीहत मत कीजिएगा, मुझे नाश्ता करने दे आराम से। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वाह, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, मुझे नहीं करना नाश्ता। भाई, तो मैंने उनसे कहा कि ये लीजिए आंटी, और उसके बाद उन्होंने आगे से मुझे ऐसे देखा कि अभी खाकर चबा जाएंगे। क्यों भाई, तुमने तो उनके पोते को बचाया था ना? हाँ, बचाया तो था, मगर मुझसे कहने लगी कि आंटी किसको कहा, मैं कोई तुम्हें आंटी नजर आती हूँ? भाई, वो उनका पोता नहीं था बल्कि उनका बेटा था, और मैं इतनी देर से उन्हें पोता समझ जा रही। खाला, आप हमने और फाद को क्यों नहीं लेकर आई? उनको दादू के घर के छोड़ के आई हैं, उनको भी लेकर आती हैं, हम बहुत मजा करते हैं। अरे मैं जरूर लेकर आती, लेकिन उनकी दादू ने कहा कि यही रहने दो, आ जाएंगे, फिक्र मत करो। वैसे दादू सबसे अच्छी पुप्पो भी यही है, क्योंकि इनके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है, और किसी के साथ इतना मजा नहीं आता। मेरी जान, मुझे भी तो सबसे ज्यादा मजा तुम्हारे साथ आता। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ इतना मजा नहीं आता जितना तुम्हारे गिफ्ट्स के साथ आता। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हां हां, ऐसा है थोड़ा। अच्छा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अगर ऐसा है भी तो क्या हो गया, तंग मत करें। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। वैसे पता है, तुम नहीं बदलोगी। कोई कह सकता है कि माशाल्लाह शादी को इतना अरसा हो गया और दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं इसके। जहाँ भी बैठती हो ना, बस महफिल जमा देती हो तुम। वो यहाँ बार बार कहाँ गुम हो जाती है? कहीं नहीं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? पहले आप बहुत बोलती थी, बातें करती थी, अच्छी लगती थी, अब क्यों चुप रहती है?
पहले मैं खुद को यकीन दिलाती रहती थी कि कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा हंसती थी, ज़्यादा बोलती थी ताकि दुनिया वालों को मेरी खुशबख्ती का यकीन हो जाए। और अब ज़रूरत नहीं है, जो है वो साफ साफ नज़र आ गया है। रही बात दुनिया की तो उसकी मुझे परवाह नहीं। क्यों पप्पो? दुनिया को खुश करने की कीमत चुकाना अब मेरे बस में नहीं है। अब पप्पो आप प्लीज़ परेशान मत हो, पप्पो आप प्लीज़ मत रोए, आपको यहाँ जब तक रहने आप रहें, जितना आपका दिल चाहता है बेशक हमेशा के लिए रहें, आपने उदास नहीं होना प्लीज़। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? क्यों आप नहीं करती? मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अरे भाई कौन है, क्या मुसीबतें आ रही हूँ भाई। वो नाश्ता करनी है आपने? अरे भाई आ रही हूँ, कौन हो? अदनान भाई आप आए? आए वो पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं कौन होगा इस वक्त। आए ना आप, आए आप, आए आए अदनान भाई आए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ बस आप। अरे अदनान अस्सलाम वालेकुम। कुकी, कुकी कुकी कुकी, अल्लाह करे आज अदनान भाई किसी भी तरह कुकी को ना मना के अपने घर ले जाए। बाबा जी ने कितना आसान अंदाज ताबीज दिया है, आज मुझे पूरा यकीन है हमारा काम हो जाएगा। जिस तरह ये लड़की उसको देखकर निकल गई है, मेरा नहीं ख्याल है काम बनेगा बेटा। अम्मा खैर वाले जुमले बोले हैं, आज मुझे पूरा यकीन है आज हमारे मसले सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह करे। ये बचपना खत्म करो और बाहर आओ, सामने बैठकर सीधी तरह बात करो, क्या मसला है? अदनान आप जाएं यहां से। क्यों चला जाऊं मैं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अदनान बस जाएं। नहीं जाऊंगा मैं, यहीं बाहर खड़ा रहूंगा जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। फिर आपको सारी उम्र यहीं खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। क्यों उसी दिन बंद हो गया था जब मैं आपके पास से वापस आई थी? और इसकी वजह? अदनान प्लीज मुझे और तकलीफ मत दे। तकलीफ? कैसी तकलीफ? सारी जिंदगी तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखा है मैंने, तुम किस तकलीफ की बात कर रही हो और उसका ये सलाह दे रही हो तुम मुझे? सारी उम्र आपके घर का, आपके बच्चों का ख्याल रखा है मैंने, क्या उसका सलाह दे सकते हैं आप मुझे? कुकी, कुकी क्यों हमारा तमाशा बना रही हो सबके सामने? तमाशा? मैंने आखिर किया क्या है? क्या आप मुझसे नहीं अपने दिल से पूछें? क्या पूछूं मैं? अगर मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ ना मुझे, अगर तुम इस तरह खामोश रहोगी तो मसला हल कैसे होगा? कुकी प्लीज दरवाजा खोलो, मत करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज कुछ तो बोलो। मैं कुछ नहीं कर रही, बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछने से बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं। बेहतर यही होगा कि आप मुझे भूल जाएं और फिर कभी ना आए यहां पर, कभी भी नहीं। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, चले जाएं यहां से, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूं और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। क्योंकि मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, ये दरवाजा खोलो वरना। और मैं भी आपको आखिरी दफा कह रही हूं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अगर आप यहां इसी तरीके से बार बार आते रहे तो मैं यहां से भी कहीं दूर चली जाऊंगी, इतना दूर कि कभी किसी को ढूंढने में भी नहीं मिलूंगी, आपको भी नहीं, कभी नहीं। या इलाही ऐसे ही करे, आमीन सुमामीन, अल्लाह खैर। अम्मी
क्या हुआ नान अंकल को? इतने गुस्से में क्यों गए हैं? जब जाके देखो ना, बहुत गुस्से में गए हैं। कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा ना कर रहे हो। जाओ, आप तो सब्र करें ना अम्मा। बेशक उसे जबरदस्ती लेके चले जाए, लेकिन चले तो जाए आज घर। ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? मैं अभी अब्बा को फोन करके। इधर आओ, इधर आओ अब्बा की बच्ची। खबरदार जो कहीं गई, खबरदार जो अब्बा को फोन मिलाया। जाओ जाओ अपने कमरे, चुपचाप करके बैठो। बड़ी आई तमीज। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के। आप कुछ नहीं करेंगी, आप चुपचाप यहाँ उनको छोड़ दें। उनको वो मना लेंगे, वो उनको अपना मामला संभालने दें। आप चुप करके बैठ जाएं, बस दुआ करें बस। ठीक है कुकी, जा रहा हूं मैं, वापस नहीं आऊंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तो बहुत पछताओगे। अल्लाह गवाह है अदनान, जितना आज पछता रही हूं इससे ज्यादा नहीं पछताऊंगी। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। मैंने फायदा उठाया है? आपने फायदा उठाया है मेरी मासूमियत का, मेरी शराफत का। पर अब और नहीं, और नहीं। ओके ओके, टू हेल विद यू। ये हाल है दिल, हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाल है दिल, हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस जा रहा हूं। अपनी बेटी से कह दीजिएगा मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, चाहे सारी उम्र गुजर जाए, और बच्चों से मिलने भी नहीं दूंगा मैं उसे। हद होती है, मजाक बनाया हुआ है, ऐसे भी कोई करता है? आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं वो कितनी अनरीजनेबल हो रही है, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। खैर, अब अगर उसे आना है तो वो खुद आएगी, मैं या मेरे घर से लेने उसे कोई नहीं आएगा। मेरी बात तो सुनो। आपने भी मुझे बात सुनानी है क्या? आपकी बेटी ने कम बातें सुनाई है। ना गलती होगी, माफ कर दो उसको। नहीं नहीं, गलती मेरी है, मैंने उसे अपने सर पे चढ़ाया है, इसीलिए मेरे सर पे नाच रही है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे सर से उतारना भी आता है। नान भाई बस अब हैदर के आने का इंतजार कर ले, थोड़ी देर में अभी आता ही हो। मुझे और किसी का इंतजार नहीं करना, ना कुकी का ना हैदर का, जा रहा हूं मैं। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनते जाओ बेटा, मेरी बात तो सुन लो। अम्मा, उनकी मिन्नत करने से अच्छा है आप अपनी इस बेटी को समझाएं जाके। अल्लाह किसकी नजर खा गई है मेरे घर को, मेरी बेटी को। बहुत अच्छा किया तुमने अदनान, वो और असर चढ़ाने के लायक नहीं थी। दा का वास्ता है, कुछ सबर से काम ले लो, बहू है हमारी, वो घर की इज्जत है। पानी अब सर से गुजर चुका है अब्बा जी। देखो बेटा, अब तुमने हिम्मत की है ना तो अपनी बात पे डटे रहना, ये ना हो कि ससुराल वाले आए मिन्नत समाजत करें और तुम्हें फिर। क्यों उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम बेटे को, बात बिगाड़नी है क्या? और बात कितनी बिगड़ेगी अब्बा जी, वो तो मेरी कोई बात सुनने पर आमादा ही नहीं है। अगर आप दोनों ने मेरी बात सुनी होती ना तो ये नौबत ही ना आती, लगता है जैसे किसी महारानी के हुजूर। देखो, अगर वो बेवकूफी से काम ले रही है तो हमें तो अकल से काम लेना चाहिए ना, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है ये। तो ये बात तो उसे समझनी चाहिए ना, क्या दूध पीती बच्ची है वो? अरे माएं तो कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त कर लेती हैं बच्चों के लिए। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े मैंने उसे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने, कोई रोक टोक नहीं की, हर किस्म की आजादी थी उसके पास। हाँ ठीक है बेटा, अपने दिमाग को ठंडा रखो बस। हाँ बस, अपने बेटे को नसीहत करते रहिएगा, उस फिसाद की जड़ को कुछ ना कहिएगा। घर बनाने में एक उम्र लग जाती है,
और घर तोड़ने में एक मिनट नहीं लगता बेटा। नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसे नसीहत हो जाए और वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे बस। तेरे ऑफिस से भी फोन आ गया, मुझे वापस जाना होगा। नहीं अदनान, यहाँ के हालात को निपटाए बगैर तुम जा कैसे सकते हो? यहाँ के हालात निपटते नजर नहीं आते बाजी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, यहाँ के हालात निपटाते निपटाते कहीं वहां कोई बखेड़ा शुरू हो गया तो? प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है और मजीद छुट्टी की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, मुझे जाना होगा वापस। अदनान बेटा, तुमने धमकी दी है ना उसे, तो हो सकता है उसे अकल आ जाए और वो वापस आ जाए। मुश्किल। ये क्या किया बेटा? अरे होश में तो हो या सारे हवास वहां अपनी फूफी के घर छोड़ के आ गई हो? हर चीज में फूफो का कसूर निकालना बंद कर दे। वही तो है सारा करता धरता। क्या मैं अपनी बेटी को तुमको नहीं जानती हूँ? बस कर दे अम्मा। कैसे बस कर दो? बोलो कैसे बस करूं? देख रही हूँ मेरी बेटी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है, तो क्या मैं चुप हो जाऊं, ना रोकूं तुम्हें? मैं उस घर की बात कर रही हूँ जहाँ तुम महारानियों की तरह रहती थी। अरे उस घर की बात कर रही हूँ जहाँ तुम्हारे दो बदनसीब बच्चे हैं। कितना अरसा गुजारा है तुमने वहां पे, शहजादियों की तरह रही हो। अब ऐसी क्या बात होगी जो तुम मुझे नहीं बता रही हो अपनी माँ को? क्या छुपा रही हो तुम? कुछ तो बताओ। सुना नहीं तुमने अदनान भाई क्या कह के गए? हाँ, वो तुम्हें बच्चों से मिलने नहीं देंगे। बच्चे मेरे हैं, कौन रोकेगा मुझे? मेरे बच्चों से मिलने से कौन रोक सकता है मुझे? अरे जिस शख्स को तुम बार बार सबके सामने जलील कर रही हो ना, वो उनका बाप है। अरे जिसने सारी उम्र बिन कहे तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी की हैं। तुम क्या समझती हो वो बच्चे अपने बाप के खिलाफ जाएंगे? नहीं, नहीं जाएंगे। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही, तुम इस पहलू को क्यों नजरअंदाज कर रही हो? और बच्चों ने तो वैसे भी तुम्हें साफ साफ कह दिया है। उनके कहने से क्या होता है, परेशानी में तो बड़े बड़े पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं, फिर वो तो बच्चे हैं, समझ जाएंगे। क्या क्या समझ जाएंगे? मेरी तकलीफ। और क्या तकलीफ है तुम्हें? अदनान भाई ने कभी तुम पे हाथ उठाया? खर्चा नहीं दिया घर का? कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की? किसी और औरत से मिलते थे क्या? क्या किया उन्होंने? तुम्हें पता है तकलीफ क्या होती है बेटा? मेरे लिए अपना घाव ही बहुत है। क्योंकि मेरे बच्चे खानदानी औरतें ये हरकतें नहीं करती। अरे क्यों हम सब के लिए कब्र खुदवा रही हो तुम? मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि मुझे अदनान के साथ नहीं रहना, ये हक मुझे अल्लाह ने दिया है, तो आप लोग क्यों छीन रहे हैं मुझसे? हमें वजह बता दो, ठीक है? अगर बात ठीक हुई तो हम तुम्हारा साथ देंगे। नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का साथ। मैंने फैसला कर लिया है और मैं अपना साथ देने के लिए काफी हूं। तो ठीक, तुम वापस नहीं जाओगी ना? तुम्हारे लिए इस घर में भी कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, सुन लो। मैं दारुल अमान चली जाऊंगी। दारुल अमान चली जाऊंगी मतलब हर तरीके से हमें जलील करना है ना, ताकि लोग ये कहें कि तलाक याफ्ता बेटी को दो वक्त की रोटी भी नहीं दे सके घर वाले। अल्लाह से खैर मांगो फरिया, खैर मांगो। अल्लाह से खैर ही मांग रहे हैं अम्मा, लेकिन ये जो कुकी है ना, इसे खैर मंजूर नहीं है। बताने किसके चक्कर में अपना बसा बसाया घर उजाड़ रही है। अब हमें बता भी दो खुदा के लिए कि कौन है ये? कोई नहीं। कोई नहीं है? ये नहीं हो सकता। किसी के शय के बगैर एक औरत इस तरह की बातें नहीं कह सकती। तुम लाख छुपाओ ना, हम भी कोई बच्चे नहीं है, सब समझ आती है हमें भी। बस करो बस करो, कलेजा फाड़ देगी ये
और इसकी बातें और इसकी हरकतें। अरे कहां कहां से उठेंगी यार, किस किस का मुंह बंद करेंगी आप? हाँ अभी तो सिर्फ मैं कह रही हूँ, कल पूरी दुनिया कहेगी। देखो कुकी, हर रिश्ते में झूठ फ्रॉड धोखा ये सब होते हैं, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है, रिश्तों को संभालना पड़ता है। क्यों करूं मैं बर्दाश्त, और भी बहुत कुछ कर सकती हूं मैं। और मुझे ये सुनाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया वाले लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके से कैसे पुकारते हैं मुझे, कैसे आवाज देते हैं। लेकिन एक एक मेहरबानी करें आप लोग मेरे ऊपर, मेरे घर वाले हैं ना, तो ये एहसान करें कि मेरा जीना हराम ना करें। देख लिया आज कहकर चली जाती है, अरमा टूट जाती हूँ, टूट जाती हूँ मैं। सुना नहीं तुमने अदनान भाई क्या क्या कह गए? हाँ वो तुम्हें बच्चों से मिलने नहीं देंगे। तुम इस पहलू को क्यों नजरअंदाज कर रही हो? और बच्चों ने तो वैसे भी तुम्हें साफ साफ कह दिया है। अरे जिसने सारी उम्र बिन कहे तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी की, तुम क्या समझती हो वो बच्चे अपने बाप के खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कैसे रखेंगे? बेवकूफ कैसे हो सकते, मैंने फोन क्यों चार्ज है? कोई चीज आप क्यों नहीं मिलती? हम कह भी ना पाए तन्हा ऐसे, कहीं मर ही ना जाए। क्या हुआ है तुम्हें? आपको नहीं पता तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो तुम? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो कुछ, पहली बात तो ये, जब बड़े आपस में इतना नाजुक मामला डिस्कस कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है अपने मशवरे देने की? हाँ ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें। मगर अम्मी, और दूसरी बात ये कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारे कुकी फूफो की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो उनका घर उजड़ जाएगा। लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये कौन सी भलाई है? आप लोगों को उनकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। ये बातें ना किताबों में अच्छी लगती है। जिंदा रहने के लिए औरत को फीलिंग्स की जरूरत नहीं, अपने घर की जरूरत होती है, एक ठिकाना चाहिए होता है। मगर अम्मी, फीलिंग्स के बगैर इंसान कैसे? उफ, तो वाह, इसीलिए तो मैं कुकी से दूर रहने की हिदायत देती रहती हूँ हर वक्त। लेकिन अम्मी उन्होंने किया क्या है? जो उन्होंने किया ना वो तुम कभी नहीं करना, ना मेरी सारी जिंदगी की मेहनत मट्टी में मिल जाएगी। जैसे अम्मा की, अम्मा तो बर्दाश्त कर गई है लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहले तो आप मुझे हमेशा कुकी पुप्पो की एग्जाम्पल्स देती थी, कुकी पुप्पो का उठना बैठना, कुकी पुप्पो जिस तरह खाती है, कुकी पुप्पो ये। पहले वो अपने घर वाली थी, मोतबर थी, बल्कि मैं तो तुम्हें उनके साथ पढ़ने के लिए भेजना चाहती थी। क्या मतलब अम्मी? क्या घर से निकलकर उनकी सारी सलाहियतें, सारी खूबियां जीरो हो गई हैं? उनकी सारी अच्छी बातें सिर्फ इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उनके पीछे अदनान अंकल खड़े थे। अब तुम जो हो ना छोटी हो, तुम्हें ये बातें समझ भी नहीं आएंगी। जब मेरी उम्र को पहुंचोगी तब समझोगी तुम। अम्मी अगर आप
आपके और अब्बा के बीच में। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी कुकी फूफो जैसे नहीं हूँ, समझी? और दूसरी बात ये, तुम्हें क्या लगता है मुझ पे कम गुजरी है? हाँ, क्या ऐसे मौके नहीं आए कि मैं भी नाराज होकर फिर मैके जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने बर्दाश्त किया है, मैंने अपना घर संभाला है, लेकिन तुम्हें मेरी ऐसी कोई भी बात दिखाई नहीं देती। ये घर चीज क्या है जिसे हर वक्त लोगों के डर से बसाए रखना पड़ता है? चाहे अपना दिल करे या नहीं,